सुशांत सिंह राजपूत केस में अब एक बड़ी खबर आ रही है। टाइम्स का दावा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट एम्स ने सबमिट कर दी है और उस रिपोर्ट में क्या है, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पर आपको बताऊंगी। उस रिपोर्ट में है, हालांकि इस रिपोर्ट में मुझे नहीं लगता कि ये सच होगी, क्योंकि एम्स फॉरेंसिक पैनल रूल्स आउट मर्डर इन द फाइंडिंग सबमिटेड टू सीबीआई। द सीबीआई इज येट टू कन्फर्म एम्स रिपोर्ट फाइंडिंग। तो जो एम्स ने अपनी रिपोर्ट दी है फॉरेंसिक पैनल ने, उसमें उन्होंने मर्डर को रूल आउट कर दिया है, और लेकिन एम्स की इस रिपोर्ट पर अभी तक सीबीआई ने सहमति नहीं दिखाई है। उन्होंने नहीं कहा कि उनको उनकी फाइंडिंग को जो है वो मैच करेंगे जो उन्होंने जांच की थी। वहीं एनडीटीवी ने भी एक खबर छापी है जिसमें उन्होंने कहा है कि एम्स ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें सुशांत के मर्डर की थ्योरी को रूल आउट कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि एम्स ने अब अपनी फाइल जो है बंद कर दी है और अब सीबीआई उस रिपोर्ट के साथ अपनी कड़ियां जोड़कर देख रही हैं और उसी के मुताबिक वो आगे जांच करेगी। मुंबई पुलिस की जांच जो थी उससे जो उन्होंने फाइल ली थी, एम्स ने उसके साथ सहमति दिखाई है। तो एक ये खबर आ रही है कि एम्स ने जो अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट दी है उसमें सुसाइड थ्योरी को जो है उन्होंने जो मर्डर थ्योरी है उसे रूल आउट कर दिया है। लेकिन उस लिगेचर मार्क का क्या, उस लिगेचर मार्क से ये साफ पता चल रहा था कि ये सुसाइड नहीं हो सकता है। तो अगर एम्स की फॉरेंसिक ने इस तरह की रिपोर्ट दी है जो टाइम्स और एनडीटीवी का दावा है, तो जो खबरें आ रही थी कि डेथ का टाइम पोस्टमार्टम में नहीं है उसका क्या, लिगेचर मार्क का क्या, और इन सारी चीज़ों पर जो है लगातार सवाल उठ रहे थे। खुद एम्स ने ये सवाल उठाए थे। तो अब जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें मर्डर को रूल आउट किया गया है, ये जो खबर आई है। हालांकि रिपब्लिक ने दावा किया है कि 302 के तहत जो है आज सीबीआई के डायरेक्टर रिपोर्ट पर साइन करने वाले हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जब तक सीबीआई या एम्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, क्योंकि आज एम्स एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने वाली थी, ये भी रिपब्लिक का दावा था, तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा। फिलहाल जो है टाइम्स और एनडीटीवी की तरफ से ये खबर आ रही है कि एम्स ने जो अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने मर्डर को रूल आउट कर दिया है।